और कुछ ही घंटे बाकी रह क्या -क्या 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 oh, well, बहुत लंबे लंबे डांस कर रहे हैं तीन एक्ट कर रहे हैं जो, -जो, जो की आठ आठ मिनट का है लंबा लंबा है और इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है हम बचपन में हम सुनते थे कि हमारे घर वाले बोलते थे कि नए साल में पढ़ा करो पूरे साल पढ़ते रहोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो हमारा ये कि हम नए साल में काम कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं फैंस के साथ हैं तो पूरे साल काम करते रहेंगे रहेंगे और पूरे साल फैंस के बीच में रहेंगे एंटरटेन करते रहेंगे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस बात से एक्साइटेड हूँ कि हर बार हम लोग जब भी कहीं पे शो करने जाते हैं हम सबको बुला लेते हैं आओ 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 क्योंकि बाकी टाइम हम लोग जिस टाइम पे हम लोग स्टेज पे नहीं होते तो हम भी सोचते कि थोड़ा सा हम मतलब आ, काम के बीच में हम लोग को भी फुर्सत में थोड़ा सा हम ब्रेक में और न्यू न्यू ईयर को आ, पार्टी करते हुए वेलकम कर लेते तो इस बार भी हम लोग घर वालों को बुला लिया जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे फ्रेंड्स को पीछे करके लेके जाते हैं सूरत में हो या कोलकाता में हो इस साल बॉम्बे में है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है है कि इस इस बार बार हम बॉम्बे बॉम्बे में 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 परफॉर्म परफॉर्म क्योंकि जिस सिटी आप आप रहते हो 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 हमें आ, आ, साल भर करने के लिए आप चले जाते जाते अलग-अलग शहरों में. तो 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 कहीं कहीं ना कही फिर भी लोगों से बिछड़ तो तो लो बहुत ज़्यादा well, uh, 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 करेंगे हमारे डांसर्स को बोला कि ये गाना तो चाहिए ही चाहिए बिकॉज ऑडियंस की ये डिमांड है और ये है फिर रोमांटिक नंबर है और रोमांटिक नंबर हो तो शाहरुख सर का गाना ना हो ऐसा कैसे हो सकता है वो है प्लस हार्ड को डांस नंबर है तो बहुत तड़क भड़क मसालेदार मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेम गाने पे ही है सिर्फ स्वैग गुरमीत अलग कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं और दिखेंग हाँ बहुत बड़े फैन हैं और बिल्कुल वैसे ही बॉडी दिखाने वाला कपड़ा भी पहना है देखिए देख सकते हैं आप तो उसके बाद हाँ देख लिया सबने तो लेकिन क्या मैं बोलने जा रही थी मैं भूल गई आपके हाँ, तुम्हारे डांस डांस जो है है कौन कौन नहीं नहीं तो बहुत सारे गाने में है, लेकिन ये है कि गुरमीत बहुत टेंशन में है इस बार क्योंकि उन्होंने बिल्कुल रिहर्सल नहीं किया और मैं तो एक बार रिहर्सल करते मुझे याद हो जाता है तो इस बार पार्टी कम होगी और हर एक एंट्री के बीच बीच में मुझे उसको सिखाना पड़ेगा हाँ, है नहीं, बोलो बिल्कुल एक्चुअली हम लोग ट्रैवल कर रहे थे रिहर्सल कम था और उससे पहले ट्रैवल दुबई जाने से पहले एक दिन पहले मैं जियो का नहीं कर का प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा सोचते हैं कि बाद में हो जाएगा गुमित <coughs> का बाद कभी आता ही नहीं है <coughs> बाद आते आते शो का एक घंटा आधा पंद्रह मिनट बाकी है अभी उसका बाद आया है शायद तो भी देखिए वो रिहर्सल कर रहे थे पसीने पसीने से मैं तो देखिए एंजॉय कर रही हूँ एकदम

कुछ कुछ ना तो, जुगार तो करेंगे क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऑडियंस के बीच में डांस करके वहां से फटाक से भाग हर बार कपड़े फट जाते हैं इस बार लोग दो चार भी दांत भी काट लेंगे <laughs> काटा काटा। जी, जी, जी। साल, साल पलटन भी आने वाली है तो पलटन को लेके तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और uh, क्योंकि मैं एक्साइटेड इस बात से हूँ कि uh, गुरमीत हमेशा आर्मी को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं तो इसीलिए है। हाँ आर्मी में इनकी डैडी है प्लस एक आर्मी के लिए अलग uh, कुछ उनकी फ़ीलिंग्स भी है तो वो जो कॉस्ट्यूम पहन के जब वो शूटिंग कर रहे थे तो मुझे इनकी खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी और uh, खुशी इस बात की हो रही थी दैट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म दैट गुरमीत इज़ डूइंग ऑफ दिस ईयर और uh, माशाल्लाह बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब डेडिकेशन के साथ किया मतलब जैसे बोलते हैं कि आप खून पसीना बहा देते हो तो ऑलमोस्ट इट वाज लाइक दैट मतलब uh, सांस फूल गई हॉस्पिटल पहुंच गए बहुत कुछ हुआ लेकिन उन्होंने काम नहीं छोड़ा सो एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट द होल फिल्म हो गया इतना ही एक्साइटमेंट है आप क्योंकि धर्म का इतना अच्छा है। नहीं, बहुत एक्साइटेड है जब भी पलटन का शूट ख़त्म होता है हम सभी जो जो गैंग है हम सारे एक्टर्स उनके बीच में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है यू नो सबके बीच में बहुत भाईचारा है और जब भी शेड्यूल ख़त्म होता है तो बहुत मिस करते हैं दूसरे को तो अभी लास्ट के कुछ दस दिन बचे हुए हैं पंजाब में हम उसका इंतजार कर रहा हूँ मैं और इसीलिए आप देख सकते हैं मेरा लुक अभी भी वही है सिर्फ दाढ़ी आ गई है आ, क्योंकि वहाँ उसमें तो क्लीन शेव रोज़ करना पड़ा मुझे लेकिन दाढ़ी थोड़ी अच्छी लगती है लेकिन क्लीनशेव क्लीन शेव में भी आई होप कि सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि कैरेक्टर में रहना बहुत ज़रूरी है इसलिए शॉर्ट हेयर तो रेडी हूँ जैसे ही अभी परफॉर्म करने के बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग कहीं जा रहे हैं और वी आर कमिंग बैक लाइक आफ्टर फिफ्टीन डेज़ तो आरे? उसके हाँ लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं और उसके बाद ही शूट स्टार्ट करेंगे और मैं बिल्कुल इंतज़ार मुझसे नहीं हो पा रहा कि कब पलटन की शूट स्टार्ट होगी चलिए एक आखिरी सवाल आप लोग का हम देख रहे हैं मेकअप रेडी है आप लोग एक परफॉर्म के लिए भी एक्साइटेड न्यू ईयर की क्या विश उन लोगों को करेंगे और आपके अंदाज में न्यू ईयर में 2018 हो गया है आप सबके लिए राइट right नाउ हमारे लिए होने वाला है पर हो जाए होने वाला हो या दो घंटे बाकी हो सब कुछ के बीच में एक ही विश है कि आपका ये नया साल बहुत ही खूबसूरत बीते और ये साल भी कैसे निकल जाए पता ही ना चले क्योंकि जब साल आपको लगता है कि अभी तो चला गया इसका मतलब वो साल बहुत अच्छा गया हो तो आशा हम लोग दोनों यही करते कि आप सबका साल निकल जाए गुरमीत और देविना की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी ईयर